हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग अगर मेरे ये वीडियो का थंबनेल देख चुके हैं तो आपको देख ही चुके होंगे। तो गाइस, इस वीडियो पे लिखा है जो है थंबनेल पे जो है कि हमारी वीडियो किस किस के पास पहुंचती है और कहाँ कहाँ तक पहुंचती है, इसके ऊपर आज आपको हम सारी जानकारी देंगे और उससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। तो जो चलते हैं, आपकी चलिए। वीडियो में आप लोग यूट्यूब वीडियो में जो अपलोड करते हैं वीडियो, उसके बारे में जानकारी लेना है तो एक एप्लीकेशन का आपको जरूरत पड़ेगा, तो यूट्यूब स्टूडियो। बहुत लोग ने इसे, मतलब बहुत ही ज्यादा लोग ने इसे यूज करते हैं अपने ये व्यू वॉचिंग टाइम और व्यू देखने के लिए कि मेरा व्यू कितना गया है, कहाँ तक पहुंचा है, किस किस कंट्री में जा रहा है, कहाँ कहाँ तक जा रहा है। और हाँ गाइस, आप जिस कंट्री में डालते हैं वीडियो और भी दूसरे कंट्री में देखते हैं। अभी हम लोग यही देखेंगे कि कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या करता है और कहाँ तक ये वीडियो पहुंचती है। सो गाइस, अगर आप लोग को ये भी लगता है कि मेरे वीडियो यार मैं पहला डाल रहा हूँ, मैं दूसरा डाल रहा हूँ, तो मेरी वीडियो इतनी पहुंचेगी नहीं और इतना वो होगा नहीं, पहला वीडियो है या फिर 15वां वीडियो, मेरे में व्यू नहीं आता है, तो गाइस ऐसा व्यू नहीं आता है तो वो अलग बात है। तो आप लोग सोचते हैं यार मेरी यूट्यूब वीडियो, मतलब यूट्यूब मेरा वीडियो को प्रमोट ही नहीं करता, मतलब आगे ही नहीं भेजता। तो गाइस आप लोग गलत हो, क्योंकि आपकी हर एक वीडियो, या पहला डाल रहे हो या फिर दूसरा डाल रहे हो या फिर 20-25 वीडियो डाल चुके हो, आपकी हर एक वीडियो को प्रमोट करता है। मतलब अगर आपका व्यू 2-3 हजार है तो कम से कम वो 10 हजार लोग तक पहुंचता है वो वीडियो, तभी आपका वो 2 हजार व्यू आता है। सो गाइस, ये सब आप जानकारी लेंगे इस वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए और पूरा देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक करते हैं। या अगर आपको इस ऐप के बारे में नहीं मालूम है तो प्ले स्टोर में जाके यहाँ पर सर्च कर लेना कि यूट्यूब स्टूडियो, तो आपको ये जो रेड कलर का दिख रहा है प्ले बटन जैसा, उसको क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाता है। आपकी पूरी यहाँ वीडियो आ जाती है, क्या क्या कमेंट्स हैं, कितने कितने मिनट चले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा वॉचिंग टाइम है 777, मतलब 777 व्यू है, 840, तो इतने मेरे वॉचिंग टाइम हैं और व्यू आ चुके हैं। सो गाइस, अगर आपको कोई भी वीडियो का आपको जानकारी चाहिए कि मेरा ये वीडियो कितना तक गया है, कहाँ तक पहुँचा है, सो गाइस तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, कोई भी आप एक वीडियो ले ले तो मेरा सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाउ टू प्ले नेम प्लेस एनिमल थीम, ये मैंने एक वीडियो बनाया था, लगभग 1 साल हो गया है। सो गाइस, इसमें 6 हज़ार व्यू आए हैं, तो इसका मतलब आपका कोई भी वीडियो वायरल हो सकता है। मेरा ऐसे ही मैंने बना दिया था तो ये वायरल हो चुका है। तो आइए चलिए इसके ऊपर जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस सिर्फ इस वीडियो का वॉचिंग टाइम दिया है यहाँ पर 749 मिनट्स और व्यू है 779। सो गाइस, यहाँ पर व्यू मोर लिखा है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओवरव्यू आ जाता है, रियल टाइम व्यू 54, वॉचिंग टाइम 749, व्यू 779, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। लाइक डिसलाइक सब कुछ मिल जाता है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए अब चलते हैं डिस्कवरी पे। तो ये इम्प्रेशन इम्प्रेशन देखिए, मेरा 4075 जा चुका है लास्ट 28 डेज में, ठीक है, यहाँ पर लास्ट 28 डेज में जा चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक, अगर आप लोग को ये 7 डेज में देखना है, 90 डेज में देखना है, जैसे भी आप लोग को देखना है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कि मेरा कब से कहाँ कब तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट, इसका मतलब क्या होता है, मेन मुद्दा यही सब आता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि गाइस, यहाँ मेरा आप लोग देख रहे हैं कि 16.9%
ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा मैंने थंबनेल और बहुत ही अच्छा मैंने इसका हेडलाइन लिखे हैं। अगर आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, अगर ये जो 16.9% है इससे कम हुआ, मतलब 5% से अगर आप लोग का कम हुआ, तो आप लोग का थंबनेल या फिर आपको थंबनेल या फिर आपका टाइटल थोड़ा सा डाउन है, मतलब सही से नहीं है। आप लोग अगर ऐसा होता है तो 5% से कम होता है तो आप लोग उसे चेंज करें, दूसरा कोई थंबनेल डालें उसी से, उसी वीडियो के रिलेटेड, और दूसरा कोई टॉपिक डालें जिससे आप लोग का मतलब इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा जाए। मेरा 16.9 है तो मेरा बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, ये पहला वीडियो है मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा जा चुका है। सो गाइस यहाँ पर आप YouTube सर्चिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पर 94.7%, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखने को मिल जाएगा, हर एक चीज़ दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब इधर ऑडियंस पर, तो यहाँ पर ये सब दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा इस टॉपिक का यही था, मैंने थंबनेल भी यही लगाया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में वॉचिंग टाइम मिनट, ये बोला कि ये जी तो तुमने दिखा चुका है, लेकिन आप गाइस यहाँ पर देखिए इंडिया 70% और पाकिस्तान 0.6%, मतलब और भी कंट्री के लोग हमारी वीडियो देखते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपकी हमारी वीडियो और भी दूसरे लोग देखते हैं, मतलब अगर आप लोग एक वीडियो बनाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंट्री से बनाए हो वही कंट्री देखे, आपका कोई भी देख सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर पाकिस्तान में भी 0.6%, मतलब कुछ लोग, दो लोग भी देखे हैं मेरी वीडियो। सो गाइस मैं आप लोग को यही बताना चाहता था, इससे रिलेटेड आप यहाँ पर YouTube स्टूडियो में जाएं और यहाँ पर आप अपना कोई भी वीडियो का, जैसे मैंने यहाँ पर देखा है, कोई भी वीडियो का आप जानकारी ले सकते हैं, मेरा कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक गया है। सो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइस आई होप ये आप लोग को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो बता देना कौन सा टॉपिक का नहीं समझ में आया है, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूंगा। सो गाइस आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आए, तो पसंद आए तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसी हमारी वीडियो आपको पहुंचती रहे। सो गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना।